नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरनाई भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी? विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी। गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार? आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार? देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ आरनाई भारत पर। नमस्कार, मैं अमन आरनाई भारत इस साल प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गुटू बाबा के नाम से प्रतीत है। इस चुनावी मुद्दा जानते हैं, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा विकास है। विकास का काम समुचित नहीं हो पाया है हमारे पंचायत में। हम हरिहरपुर पंचायत से खड़े हैं, शाहपुर प्रखंड अंतर्गत। विकास ही मुद्दा है। विकास ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं मुख्य मार्ग से, वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। काहे नहीं जुड़ पाए? जो प्रत्याशी लोग थे वो लोग अपने मनमाना किए। कौन थे अभी? अभी हमारे वर्तमान मुखिया है अखिल सिंह। अच्छा। वो अपना ढंग से अपना जो बुझाया वो किए, जनता को लेकर नहीं चले, जनता को, जनता की समझ को वो दरकिनार कर दिए। अगर इस पर जनता आपको जिताती है तो जनता के लिए क्या सोच के रहता है? इस बार जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी, अगर जिता देगी, तो जनता को हम सर माथों पर रखेंगे। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे और उनको साथ देंगे, उनका हर मोर्चे पर उनको हम सहयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे। वो लोग जो कहेंगे वो करेंगे, हम जनता का बात मानेंगे। जनता जैसे कहेंगे वैसे करेंगे? जनता जो बात कहेगी करने लायक होगा तो हम उसे प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। शिक्षा की बात किया जाए तो? शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी कमियां है। जो प्रखंड स्तर तो है ही है, लेकिन पंचायत स्तर से भी सुधर सकता है। इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सचिव है, ये है, वो लुटते हैं, वो करते हैं, लेकिन प्रत्याशी लोग इस पर, किसी भी स्कूल में प्रत्याशी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम बनेंगे तो अवश्य ध्यान देंगे इस पर। मुखिया के एक तो पंचायत के लिए मतलब सीएम के मालिक होते हैं? जरूर होते हैं, पंचायत के लिए तो मालिक ही हैं। मुखिया तो चाहे तो हर चीज़ सुधार सकता है। सोलर लाइट लगा है और पंचायतों में, हमारे पंचायत में एक भी नहीं लगा है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो? स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामला में तो हमारा पंचायत बिल्कुल ही फ्लॉप है। क्यों है? अब इस पर तो हम नहीं बोल सकते हैं क्यों है। स्वास्थ्य के ये मुखिया के बस का है कि नहीं है हमें पता भी नहीं है। मुखिया के बस में है स्वास्थ्य तो, आंगनबाड़ी में चलता है स्वास्थ्य विभाग, आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग नहीं है हमारे। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ नहीं है? एक बीमारी में बना है जिसमें डॉक्टर भी नहीं आते हैं। कभी भी अब हाजिरी बना लेते होंगे, बात अलग है, लेकिन बना चल नहीं रहा है, कोई इलाज करने नहीं पहुंचता है वहाँ। ग्रामीण जनता से बात करते हैं, ये बोलिए क्या गुटू बाबा को मतलब इसका मुखिया बना पाएंगे? एकदम ज़रूर बनाना चाहिए और परिवर्तन ही। मुखिया के बस में है स्वास्थ्य तो, आंगनबाड़ी में चलता है स्वास्थ्य विभाग, आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग नहीं है हमारे। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ नहीं है? एक बीमारी में बना है जिसमें डॉक्टर भी नहीं आते हैं। कभी भी अब हाजिरी बना लेते होंगे, बात अलग है, लेकिन बना चल नहीं रहा है, कोई इलाज करने नहीं पहुंचता है वहाँ। ग्रामीण जनता से बात करते हैं, ये बोलिए क्या गुटू बाबा को मतलब इसका मुखिया बना पाएंगे? एकदम ज़रूर बनाना चाहिए और परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीछे की जो हम लोग देखते आ रहे हैं आज तक, अभी भी हम कितने साल से इस रोड को देख रहे हैं अपने गांव का, या हम लोग बहुत गांव में घूमे भी अपने पंचायत का, लेकिन कहीं भी रोड जाने लायक नहीं है। मतलब 20 से 30 का स्पीड में गाड़ी चलती है उस रोड पर। ज़रूरत है इस रोड को तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। आगे शिक्षा को भी सुधारना बहुत ज़रूरत है, कहीं गाँव में शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना, और महिला लोग का भी सुरक्षा जरूरी है। और परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि 25 साल 15 साल भी बैजनाथ यादव मुखिया थे, लेकिन मेरे नज़र में कोई काम हुआ नहीं है। जो अखिल सिंह मुखिया है अभी? अखिल सिंह भी हुए, लेकिन अभी हम आए देखे और बुरा हाल है गांव का। मतलब वो भी कुछ जनता के हिसाब से नहीं चले, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किए। यहाँ बाढ़ उड़ आया था, बाढ़ वगैरह आया था, उनको आकर के गाँव से मिलना चाहिए था, हाल चाल लेना चाहिए था। इतना अनाज खराब हुआ, सब कुछ खराब हुआ, एक बार भी पूछने भी नहीं आए, नाव भी नहीं दिए थे, कुछ नहीं,
कुछ दिए नहीं है, कुछ नहीं किए। बोलिए भैया क्या मतलब बुटुआ जितना चाहिए बर्दे हमारा समझ लो होने बोलो होने चले बोलिए बा बोलिए 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 ना बोलिए ना बोलिए ना क्या हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार कुछ प्रतिनिधि चेंज करें क्योंकि ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है इसमें। अगर प्रतिनिधि चेंज होगा तो विकास भी होगा, कुछ आगे बढ़ोतरी भी होगा, शिक्षा भी आगे बढ़ेगा। बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बदलाव। जी बोलिए क्या मतलब गुट्टू बाबा को बोलना चाहते हैं बारे में। देखिए सबसे पहले तो R9 भारत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस पंचायती क्षेत्र में और गरिया ग्राम में आप लोग आ करके ये संवाद जो है लोगों के बीच में आप लोग पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाए कि जो मतलब विकासशील हुआ है यहाँ पर, लोग बोल रहे हैं कि 5 साल के अंदर में, तो 5 साल के अंदर में ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि लोगों का कहना है। और मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें भी संकेत मिला है, मैं भी जानता हूँ। अभी हाल फिलहाल बाढ़ आया था, बाढ़ में लोगों को कुछ राहत नहीं मिला और ख़ास तौर पे कहा जाए कृषि। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी, विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी, गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार, आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार। देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।